प्राथमिक तौर पर यह मान लिया गया था कि दोनों ही रिपोर्ट में हमले की बात नदारद है, जो बात ममता बनर्जी कह रही थी कि साजिशन नंदीग्राम में उन पर हमला हुआ है। लेकिन एक लंबी तफ्तीश के बाद, रिपोर्ट्स मंगवाने के बाद, खुद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मंगवाई गई, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट तैयार की, और उसमें कहीं वो नहीं पाया गया कि ममता बनर्जी के आरोप सच हैं। ममता बनर्जी ने यह कहा कि उन पर साजिशन हमला किया गया है, लेकिन इन बातों को नकार दिया गया है क्योंकि ऐसे कोई ठोस तथ्य, सबूत, साक्ष्य पेश नहीं किए गए और ना ही कहीं से दर्ज हो पाए हैं। यह एक बड़ा फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था, पूरे देश भर की निगाहें इस बात पर थी कि चुनाव आयोग आखिर क्या फैसला लेता है। और यह फैसला लेना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक बेहद गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाए थे, और ना सिर्फ ममता बनर्जी ने लगाए थे बल्कि टीएमसी ने भी पत्र लिखा था चुनाव आयोग को। नीरज हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, विस्तार से एक लंबी बैठक के बाद आखिरकार क्या फैसला लिया है चुनाव आयोग ने? देखिए, चुनाव आयोग का फैसला है कि टीएमसी का जो आरोप है, जो टीएमसी ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी पे हमला हुआ था, ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि उन पर हमला हुआ है नंदीग्राम में, हमले की बात तीनों रिपोर्ट यानी दो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट और मुख्य सचिव की रिपोर्ट में ये बात सामने नहीं आई है। इसलिए चुनाव आयोग का फैसला है कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ है, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है। लेकिन प्रशांत, बड़ी कार्रवाई की जा सकती है सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। आखिर इस तरह की घटना हुई क्यों? सीएम की सुरक्षा एक बड़ा मसला होता है, आखिर इस तरह के लैप्सेस हुए क्यों? उस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इस बात की उम्मीद है। आने वाले कुछ घंटों में देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पे क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि टीएमसी ने जो आरोप लगाया था कि उन पर हमला हुआ है, वो तीनों रिपोर्ट में से किसी भी रिपोर्ट में इस बात को फाइंड आउट नहीं किया, खारिज हो चुकी है वो आरोप। लेकिन नीरज, ये इस वक्त की बड़ी खबर है दर्शकों की जानकारी के लिए, देश भर की निगाहें इस पर लगी हुई थी कि चुनाव आयोग क्या फैसला सुनाता है, और यही जवाब ममता बनर्जी की पार्टी को अब चुनाव आयोग भी देगा, क्योंकि एक लिखित में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, ममता बनर्जी पर साजिशन हमले का आरोप लगाया गया। लेकिन जो नीरज, सुरक्षा में चूक अगर मानी गई है, सबसे पहले निशाने पर कौन होंगे जिन पर कार्रवाई हो सकती है इस बात के लिए? देखिए, किस पे कार्रवाई होगी प्रशांत, ये अभी बताना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन इस बात की उम्मीद है कि जिला प्रशासन से लेकर, क्योंकि ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इस बात का जिक्र था कि ईसीआई नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया है ममता बनर्जी के कार्यक्रम को लेकर। या तो टीएमसी ने बताया नहीं था, सीएम की सुरक्षा में जो लोग थे उनकी तरफ से नहीं बताया गया होगा। ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात का जिक्र है कि सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, बहुत सारी चीजें वहां ऐसी मौजूद थी जहां सुरक्षा की जो गारंटी मिलनी चाहिए थी मुख्यमंत्री को, वो शायद नहीं मिली थी। लैप्सेस किन की तरफ से हुए हैं ये देखना होगा कि चुनाव आयोग ने क्या कुछ पाया है तीनों रिपोर्ट के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी जो बार बार ये आरोप लगा रही थी कि क्या उन पर हमला हुआ, ये आरोप लगाया था उनकी तरफ से, और पार्टी ने भी आरोप लगाया था, टीएमसी ने बाकायदा एक लंबा पत्र लिखा था, टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के सामने आया था, लेकिन वो आरोप चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट के आधार पे खारिज किया है। लेकिन आने वाले वक्त में कार्रवाई हो सकती है, किन किन पर कार्रवाई होगी इसके लिए इंतजार करना होगा हमें। जी,